नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम अपने वीडियोस में कंपनियों की चर्चा कर रहे थे और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है पार्षद अंतरनियम यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हम देखते हैं कि पार्षद अंतरनियम होता क्या है। पार्षद अंतरनियम से तात्पर्य उस लिखित दस्तावेज से है जिसमें कंपनी के सभी नियम एवं कानून होते हैं जो किसी भी कंपनी के आंतरिक प्रबंधन को प्रभावित करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि पार्षद अंतरनियम भी क्या है, एक प्रकार का हमारा लिखित दस्तावेज है यानी रिटेन डॉक्यूमेंट्स है। किसकी तरह? पार्षद सीमा नियम की तरह यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की तरह। अब इसमें क्या विशेष है कि जिसमें कंपनी के सभी नियम एवं कानून होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें भी कंपनी के सारे नियम एवं कानून ही होते हैं पार्षद सीमा नियम की तरह। आगे देखेंगे कि जो किसी भी कंपनी के आंतरिक प्रबंधन को प्रभावित करता है। तो यहां पे आप क्लियर कट समझ सकते हैं कि पार्षद अंतरनियम कंपनी का एक लिखित दस्तावेज है जो कंपनी के आंतरिक प्रबंधन को प्रभावित करता है, यानी कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को देखता है। कंपनी के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं उसको बताता है, उसके बारे में नियम कानून को बताता है। पार्षद अंतरनियम में वर्णित सभी नियम एवं कानून पार्षद सीमा नियम में वर्णित उद्देश्य वाक्य एवं दायित्व वाक्य सहित अन्य सभी वाक्यों को सहारा देने तथा कंपनी के स्वतंत्र संचालन के लिए बनाए जाते हैं। यानी पार्षद अंतरनियम क्या है, कंपनी का जो पार्षद सीमा नियम होता है उसका सहायक पुस्तक होता है, उसका सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होता है जो उसको सहायता प्रदान करता है। यानी जो भी हमारे पास पार्षद सीमा नियम है, जो हमारा एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है, उसको सहायता देने के लिए हमारा पार्षद अंतरनियम बनाया जाता है। और जो मेरा पार्षद अंतरनियम है वो मेरा पार्षद सीमा नियम को सहारा देने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि जो भी इसमें इंटरनल मैनेजमेंट की चीज़ें होती हैं वे सभी की सभी पार्षद सीमा नियम का जो भी वाक्य होते हैं उनके आधार पर बनाए जाते हैं। जैसे आपका नाम वाक्य है, आपका दायित्व वाक्य है, आपका उद्देश्य वाक्य है, तो उसके हिसाब से ही हमारे पार्षद अंतरनियम को सेट किया जाता है, बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो भी मेरा पार्षद अंतरनियम होता है वो पार्षद सीमा नियम के अकॉर्डिंग तो बनाया जाता है, लेकिन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 यानी कंपनीज एक्ट 2013 के फॉलो होते हैं। अब देखते हैं कि भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 2(5) के अनुसार कंपनी के पार्षद अंतरनियम की परिभाषा क्या है। पार्षद अंतरनियम से तात्पर्य कंपनी के पार्षद अंतरनियम से है जो वर्तमान या फिर किसी पुराने कंपनी अधिनियम के द्वारा समय समय पर निर्मित या संशोधित किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पार्षद अंतरनियम क्या है, पार्षद अंतरनियम है यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे लीगल होते हैं वही इसमें आएंगे। और या तो हमने इसको पुराने कंपनी एक्ट ने बनाया हो या फिर नए कंपनी एक्ट ने बनाया हो जो 2013 का चल रहा है, और या फिर हमने इसको पुराने कंपनी अधिनियम में संशोधित किया हो या फिर इसको नए कंपनी अधिनियम में संशोधित किया हो, ये मेरा कंपनी एक्ट की धारा 2(5) के अनुसार परिभाषा दिया गया है। इसमें हम देखते हैं कि लॉर्ड किन्स के अनुसार कौन सी परिभाषा दी गई है पार्षद अंतरनियम के संदर्भ में। पार्षद अंतरनियम पार्षद सीमा नियम के अधीन कार्य करता है और पार्षद सीमा नियम को चार्टर के रूप में स्वीकार करता है। यानी कहने का मतलब है कि जो पार्षद अंतरनियम है वो पार्षद सीमा नियम के अधीन काम करता है। अधीन का मतलब है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हीं को फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए कोई लीडर है उसके फॉलोअर होते हैं, तो उसी तरीके से ये मेरा पार्षद अंतरनियम जो है वो विशेष रूप से हमारे पार्षद सीमा नियम को फॉलो करता है। यानी नाम वाक्य, पूंजी वाक्य, दायित्व वाक्य, इस तरीके से हमारे जो 6 वाक्य हैं उनके आधार पे हमारे पार्षद अंतरनियम की रचना होती है। और उसके बाद से कह रहा है कि सीमा नियम को चार्टर के रूप में स्वीकार करता है, यानी उसको बड़ा मान करके पार्षद अंतरनियम की रचना होती है। अब हम देखते हैं कि पार्षद अंतरनियम की विषय वस्तु क्या होती है। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 5 के अनुसार पार्षद अंतरनियम की विषय वस्तु कुछ इस प्रकार से है। पहला, नियामक सामग्री। पार्षद अंतरनियम उन सभी नियमों का उल्लेख करता है जो कंपनी के संचालन एवं प्रबंधकीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक हैं। यानी कंपनी के संचालन के लिए
और कंपनी के मैनेजमेंट के लिए यानी कंपनी के ऊपर कंट्रोल के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही जरूरी होते हैं कंपनी को, उन सभी नियमों का क्या करता है, पार्षद अंतर नियम उल्लेख करता है, इसमें वर्णित होते हैं सारी चीजें, बहुत ही डीपली लिखी होती हैं। दूसरा, शामिल विषय सामग्री। कभी कभी कंपनी को कंपनी अधिनियम में वर्णित नियमों के अतिरिक्त कई नए नियम कंपनी के उचित रूप से संचालन के लिए बनाने पड़ते हैं। कहने का मतलब है कभी कभी कंपनी को कुछ नए नियम बनाने पड़ते हैं, यानी जिस तरीके का हमारा कंपनी का वातावरण होता है उस तरीके के हमको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं, तो उन सभी नियमों को भी कंपनी के पार्षद अंतरनियम में शामिल कर लिया जाता है जो प्रबंधकीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहज रूप से सहायक हैं। कहने का मतलब है हमारी कंपनी का जो वातावरण है, हमारे देश का जो वातावरण है, उसके अनुसार हमें अगर कोई नए नियम बनाने पड़ रहे हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, उससे अलग नहीं लेकिन जो भी नियम उसमें नहीं दिए गए हैं उसके लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, नए नियम बना सकते हैं जो हमारी कंपनी को सुगमता और सरलता से चला सके। एक बात हमको ध्यान रखना है कि हमें कभी भी कंपनी एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना है, हमारे उनको यानी उनके नियम को हमको तोड़ना नहीं है। कंपनी के पार्षद अंतरनियम में विभिन्न प्रकार की सारणियों यानी टेबल्स एफ जी एच आई और जे अनुसूची उपयुक्त रूप से शामिल होती हैं, यानी ये सब कुछ टेबल्स हैं जिसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन दिए होते हैं। जब कभी कंपनी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं बना पाती है यानी बाय मिस्टेक हो जाता है, तो कंपनी जो है कंपनीज एक्ट के इन सारे टेबल्स को फॉलो कर लेती है। चौथा, अंशों की संख्या एवं मूल्य, यानी कंपनी के पास कितने अंश हैं और उनका मूल्य क्या है, सब पार्षद अंतरनियम में लिखा होता है अच्छी तरीके से। पांचवा, अंशों का आवंटन, यानी कितने अंशों का आवंटन हुआ, कब हुआ, किस तरीके से हुआ, कितने लोगों को हुआ, इन सब का डेटा पार्षद अंतरनियम में होता है। छठवां, अंशों का हरण, अगर कंपनी किसी भी अंश को हरण कर रही है यानी उनको फॉरफिट कर रही है तो उसको क्या करेगी, कंपनी पार्षद अंतरनियम में लिखेगी। इसका वीडियो हम क्या करेंगे, सभी चीजों का अलग से समझ लेंगे, बना करके हम आपको दे देंगे, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। सातवां, अंश प्रमाण पत्र, कंपनी किसको किसको अंश प्रमाण पत्र इशू की है, कंपनी का अंश प्रमाण पत्र किस तरीके से इशू किया जाएगा, ये सब चीजें क्या होती हैं, पार्षद अंतरनियम में लिखी होती हैं। पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन, किस तरीके से पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन किया जाएगा, ये सब क्या होता है, पार्षद अंतरनियम में लिखा होता है। अंश हस्तांतरण एवं प्रसारण, किस तरीके से अंशों का हस्तांतरण यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाएगा, ये सब चीजें क्या होती हैं, कंपनी के पार्षद अंतरनियम में ही लिखी होती हैं। दसवां, सभाओं संबंधित नियम, यानी कंपनी के मीटिंग्स किस तरीके से होंगी, कितने लोग आएंगे, कोरम क्या होगा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग कितने होंगे, यानी किस तरीके से मीटिंग की रूपरेखा बनेगी, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, पार्षद अंतरनियम में ही वर्णित होते हैं। ग्यारहवां, नामांकित निदेशक, यानी कंपनी के नामांकित निदेशक कौन है, ये भी पार्षद अंतरनियम में ही लिखा होता है। बारहवां, अंकेक्षण समिति, यानी हमारी ऑडिट कमेटी कौन है, यानी कंपनी की ऑडिट कौन कर रहा है, ये भी पार्षद अंतरनियम में लिखा होता है। बारहवां, लाभांश तथा संचय, कंपनी कितने लोगों को लाभांश दे रही है और कंपनी का कितना सेविंग है यानी संचय कितना है, ये सब क्या होता है, पार्षद अंतरनियम में अच्छे तरीके से लिखा होता है। चौदहवां, संचयों का पूंजीकरण, यानी हमने कोई भी संचय करी है उसका पूंजीकरण कैसे होगा, ये सब भी कंपनी के पार्षद अंतरनियम में ही लिखा होता है। पंद्रहवां, लेखा तथा अंकेक्षण, कंपनी की अकाउंटिंग कैसे होगी, कंपनी की ऑडिटिंग कैसे होगी, ये सारी की सारी चीजें कंपनी के अंतरनियम में लिखी होती हैं। मेरे प्रिय साथियों, अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो भी हमने विषय वस्तु समझी और पढ़ी, इसके अलावा भी कंपनी अपने नियमों और कानूनों में बदलाव कर सकती है और भी विषय वस्तु इसमें शामिल कर सकती है जो भी कंपनी को लगेगा कि उसके एनवायरनमेंट के अनुकूल हो। पार्षद अंतरनियम की विशेषताएं, अब हम देखते हैं कि पार्षद अंतरनियम की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहला, पार्षद अंतरनियम कंपनी की आंतरिक नियमों से शामिल एक लिखित दस्तावेज है, यानी इसमें जो होती है केवल कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं, बाह्य नियम नहीं होते हैं,
यानी कंपनी का शेयर कैसे इशू होगा, कंपनी का प्रोस्पेक्टस कैसे इशू होगा, कंपनी का डायरेक्टर कौन होगा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन से लोग होंगे, कंपनी का शेयर कैपिटल कितना होगा, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना होगा, कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें कंपनी के जो आंतरिक मामले से जुड़ी होती हैं वो पार्षद अंतरनियम में होती हैं। दूसरा, पार्षद अंतरनियम पार्षद सीमा नियम का सहायक दस्तावेज है, यानी सहायक दस्तावेज। कहने का मतलब है जो हमारा पार्षद सीमा नियम है उसी का सहायक दस्तावेज है कौन, पार्षद अंतरनियम। यानी जो भी चीजें पार्षद सीमा नियम में लिखी होती हैं, यानी पार्षद सीमा नियम में हमारे जो 6 क्लॉज होते हैं, 6 वाक्य होते हैं, उन्हीं 6 वाक्यों के आधार पे ही क्या होता है, पार्षद अंतरनियम की व्याख्या की जाती है और पार्षद अंतरनियम बनाया जाता है। देखने की बात है कि पार्षद सीमा नियम क्या होता है तो उसका वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। तीसरा, दायित्वों का निर्धारण। पार्षद अंतरनियम कंपनी की प्रबंधकीय शक्तियों जैसे संचालक मंडल, निदेशक आदि के दायित्वों का निर्धारण करता है। इसके अलावा उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों का निर्धारण भी कंपनी अंतरनियम के द्वारा ही होता है, यानी डायरेक्टर कौन होगा और उसके बाद से उनके अधिकार कौन कौन से होंगे, उनके कर्तव्य कौन कौन से होंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक अधिकार बताता हूँ कि जब कंपनी का लाभांश देना होता है तो वो डायरेक्टर्स ही क्या कर सकते हैं, उसको अप्रूव करते हैं, प्रपोज करते हैं। उसी हिसाब से कंपनी को, यानी कंपनी के जो कितने शेयर होल्डर्स हैं उनको लाभांश दिया जाता है। तो यहाँ पे एक अधिकार मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं चौथा, अंशों का निर्धारण। कंपनी के अंशों का आवंटन, हरण, प्रमाण पत्र कैसे देना है, पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन आदि पार्षद अंतरनियम के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यानी कंपनी का जो अंश जब कंपनी इशू करेगी प्रोस्पेक्टस के द्वारा, उनका आवंटन यानी अलॉटमेंट, यानी किसको कितना अंश देना है, इसका निर्धारण, हरण, अगर कंपनी को लगता है कि हमें अपने अंशों को वापस लेना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं हरण, यानी फॉरफीचर बोलते हैं, तो उसका किस तरीके से काम किया जाएगा उसमें। तीसरा, प्रमाण पत्र, कंपनी के जो अंश हैं उनका, जो लोग ले रहे हैं अंशों को, उन शेयर होल्डर्स को, उन अंशधारियों को, उनको प्रमाण पत्र देना। पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन, और जो मेरे पूर्वाधिकार अंश हैं उनका निर्गमन कैसे होगा, इन सारी बातों का निर्धारण किसमें होता है, कंपनी के पार्षद अंतरनियम में होता है। पांचवा, लाभांशों का वितरण। कंपनी के अंशधारियों को किस रूप में लाभांशों का वितरण किया जाएगा, वितरण के लिए कौन निर्णय लेगा, सभाएं कब होंगी आदि पार्षद अंतरनियम के द्वारा निर्धारित होती हैं या होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब कभी भी कंपनी का लाभांश दिया जाएगा तो लाभांश कौन देगा, लाभांश किसको दिया जाएगा, कितना लाभांश दिया जाएगा, इन सब का निर्धारण सारे रूल्स एंड रेगुलेशन किसमें होते हैं, पार्षद अंतरनियम में लिखे होते हैं वन बाई वन। छठवां, कंपनी का संविधान। पार्षद सीमा नियम और अंतरनियम दोनों मिलकर कंपनी के संविधान को बनाते हैं। यानी अगर आपके पास पार्षद सीमा नियम है और पार्षद अंतरनियम है, यानी दोनों होना चाहिए, तो पार्षद अंतरनियम भी मिलकर क्या करता है, कंपनी के संविधान को बनाता है, यानी कंपनी के नियम कानून बनते हैं। अगर आपको कंपनी के नियम कानून के बारे में पता करना है तो आप क्या करिए, कंपनी के पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतरनियम को पढ़ लीजिए। हालांकि कंपनी अपने पार्षद सीमा नियम को पब्लिक कर देती है, लेकिन कंपनी अपने अंतरनियम को पूरा पूरा पब्लिक नहीं करती है। कुछ चीज़ें होती हैं, उन कुछ विशेष चीज़ों को ही कंपनी अपने अंतरनियम को ही पब्लिक करती है, क्योंकि जो भी मेरा पार्षद अंतरनियम होता है वो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होता है, उसको कंपनी पब्लिक नहीं करती है कभी भी। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको पार्षद अंतरनियम का ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपके पास और भी कोई प्रश्न है जो आप रखना चाहते हैं, जिसका उत्तर जानना चाहते हैं पार्षद अंतरनियम के संदर्भ में, तो वो भी हमें जरूर बताइए। आप हमें अपने प्रश्नों को या तो हमारे व्हाट्सएप पे जो मैंने नीचे नंबर दिया हुआ है वहाँ पे, या फिर फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।